आपका क्षेत्र कौन से विधानसभा क्षेत्र में? बेगूसराय विधानसभा। बेगूसराय में उनके वहाँ विधायक कौन है? यहाँ गिरिराज सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे। मैं हूँ आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। आज हम उन हकीकत की ओर बढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे देश की हर जनता जाना चाहती है। तो सवाल उठता है कि आप कितने समृद्ध हो पाए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियां और उनके कार्यकर्ता जहां भी और जब भी मौका मिले अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे में बेगूसराय टुडे की टीम निकल चुकी है बेगूसराय विधानसभा में, जहां पे इस सीट को लेकर के एक एक सीट को तरसने वाली कांग्रेस का राज है, कांग्रेस का कब्जा है। तो आइए, मैं जानती हूँ बेगूसराय की जनता से कि उनके विधायक उनके दिलों में कितने राज कर पाए हैं और कितना अपनी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने सीट को कितना बचा के रखे हैं। बेगूसराय, हाँ। बेगूसराय में आपके विधायक कौन है? विधायक जी कौन आता है? वेन करता आते नहीं है, इसलिए नहीं पहचानते आप लोग। कैसे पहचानेंगे? कभी कभी देखा नहीं? कभी काल का हुआ। वोट मांगने तो आए होंगे ना? वोट मांगने आए थे। हाँ। तो उस टाइम पहचानते थे? हाँ। आप नहीं पहचानते? उनका नाम? उनका नाम भी नहीं जानते? अभी सा बातें हैं। किनका व्यापार? उन्हों का व्यापार, विधायक लोग का। क्या? वोट मांगने सिर्फ आए थे? उसके बाद वोट मांगने के बाद फिर आए कभी अपने कार्यकाल में? अभी तो जीतने के बाद नहीं, नहीं, नहीं। अभी तक नहीं आए? नहीं। वोट मांगे तो आपके दरवाजे पे आए होंगे ना? जरूर आए थे। हाँ। तो आप जानते हैं आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? अमिताभ भूषण। अमिताभ भूषण जी। अमिताभ भूषण। आपके विधायक? अमिताभ भूषण। आपका गांव? आप गांव से बिलोंग करते हैं? हाँ, चांदपुरा पड़ता है आपका गांव। तो आपके गांव में कुछ विकास हुआ है विधायक फंड से? अभी तो रोड फिलहाल बन रहा है। विधायक के फंड से बन रहा है? विधायक के फंड से बन रहा है, चलिए अच्छी बात है। कभी मिले हैं उनसे? विधायक से मिले तो हैं। कब? कितनी बार? जब उनका इलेक्शन। आप इलेक्शन में मिले हैं? जीतने के बाद नहीं कभी मिले हैं? तब उनको फुर्सत कहाँ? उनको फुर्सत में कभी उनको बुलाए हैं अपने निजी आवास पे? आप नहीं बुलाए? भी नहीं बुलाए नहीं है। आप उनसे खुश हैं उनके काम से? अभी तो खुश हैं। अभी खुश हैं? चुनाव में? चुनाव में जब अभी जनता को उस समय खोज रहे थे, अभी खोजबे नहीं करते। वो अपना आवास पे हम लोग को बुलाए थे। अब फिर अगर वो जीते तो हमको बुलाते हैं, क्या दिक्कत है, क्या समस्या? कभी नहीं बुलाए। कभी नहीं बुलाए। बेगूसराय जी। बेगूसराय। आपके विधायक कौन है? बोगो सिंह। बोगो सिंह है आपके विधायक? नहीं पता है हमको भी। आपको भी नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? हम निकलते घर में रहते नहीं तो पता नहीं रहता है। अच्छा, तो कभी आपने जानकारी लेना भी नहीं चाहा कि नहीं विधायक कौन है, सांसद कौन है, सब की जानकारी नहीं ले पाए? नहीं ले पाए क्यों? आपके विधानसभा के विधायक कौन है यहाँ का? हाँ, आपके यहाँ यहाँ का विधायक तो नहीं जानते हैं। आशा भूषण। आशा भूषण। उनका कोई काम हुआ आपके क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं हुआ। आप पहचानते हैं उनको? हाँ, पहचानते हैं। पहचानते हैं। क्या नाम है उनका? आशा भूषण। तो बोलते रहे आशा भूषण जी। जीतने के बाद आए थे? चुनावे के टाइम में आई थी। जीतने के बाद नहीं आया? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कभी फिर आप लोग उनसे फरियाद देखे? कोई फरियाद की जरूरत नहीं पड़ी उनके सामने? नहीं, वो इधर फील्ड में रहबे नहीं करती है। तो फील्ड में नहीं रहती है। चलिए, आपका नाम? संजय ठाकुर। चलिए, धन्यवाद। कौन से विधानसभा में पढ़ते हैं? विधानसभा बेगूसराय। बेगूसराय। आपके विधायक कौन है? गिरिराज सिंह। सांसद? विधायक? सांसद होंगे गिरिराज सिंह। विधायक कौन है? विधायक अमिताभ भूषण। हाँ, अमिताभ भूषण जी। कभी वो आपके क्षेत्र में आए हैं? कभी नहीं। आप लोग के बीच में? जी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं रूबरू हुए आप लोग से? परिचित हुए कभी? जी नहीं, कभी नहीं आए। कभी नहीं हुए। उनका काम हुआ है कोई भी? कोई काम यहाँ नहीं हुआ। कोई काम नहीं। कभी आप लोगों ने अपने निजी फंक्शन में उनको बुलाया है? बहुत बार बुलाए लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता आने का। यहाँ वो नहीं आते आपके निजी फंक्शन में? नहीं आए कभी? नहीं, कभी नहीं। कितनी बार बुलाया आपने? बहुत बार बुलाए। जब जब यहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो कार्ड उनको जाता है, लेकिन यहाँ पे आते नहीं। वो आते नहीं है जी? नहीं। क्या कुछ तो कहते होंगे कि टाइम नहीं है? अब हम लोग तो सिर्फ कार्ड भेजते हैं, थोड़े हम लोग जाते हैं जो कि उनको बुलाएंगे। जो आदमी जाता है वही अपना बुलाता है, लेकिन वो आते नहीं है। आते कभी नहीं आए जी? नहीं। अच्छा, तो उन क्या लगता है आपको कि अगले
आगामी विधानसभा चुनाव में उनको लाना फिर से पसंद करेंगे आप लोग? विकास ही नहीं हो रहा है तो उनको लाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। कोई नया चेहरा आएगा इस बार? जी हाँ। आपके विधायक कौन है? नहीं मालूम है। आपको मालूम ही नहीं है? ना। अच्छा, कौन से विधानसभा में आप पढ़ते हैं? बेगूसराय विधानसभा। उनके विधायक कौन है नहीं पहचानते आप? नहीं। कभी आप लोगों के बीच आए नहीं वो? जब जान पहचानवे नहीं करते तो आने का तो कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, नहीं आए इसलिए आप लोग नहीं पहचानते हो? तो क्या आपके क्षेत्र में, चलिए वो आए नहीं आए, लेकिन आपके क्षेत्र में विधायक फंड से कोई काम हुआ है? अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं दिख रहा है? कोई काम नजर नहीं आ रहा। देख रहे हैं आपके विधानसभा के विधायक कौन है? अमिताभ भूषण जी। अच्छा, उनके काम से आप खुश हैं? कितने संतुष्ट हैं? अभी तो कभी देखे नहीं उनको। कभी उनको देखा ही नहीं है? देखे नहीं, बस भाषण उषण में जैसे इलेक्शन का टाइम, उससे उसके बाद तो देखे नहीं। पहचानते हैं उनको? पेपर में देता उसी से पहचानते हैं। हाँ, सामने या फोटो वोटो आता फिगर उसी से पहचानते। कभी वो आपके क्षेत्र में आए नहीं है क्या? ऐसे मेरा घर पड़ता है बिशनपुर। हाँ। हमारा दुकान है यहाँ पे। हाँ। अब आते हुए कि नहीं तो हमको तो पता, लेकिन हम अपने नज़र से अभी तक बिशनपुर क्षेत्र में कभी भ्रमण करते हुए नहीं देखे। आपके क्षेत्र में कोई काम हुआ है विधायक के फंड से? ना, कुछ नहीं हुआ। अभी तो कहाँ कुछ हो रहा है, कोई काम नहीं, कोई का विधायक के फंड से कहाँ कुछ, हम लोग को ऐसा कुछ नजर आ रहा है जो जो देखने लायक चीज हो। तो आगामी विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि फिर से आप लोग उनको लाएंगे या नहीं, ये तो समय बताएगा, अभी क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, काम नहीं हुआ है और काम एक मेरे कहने से तो ऐसा नहीं हो सकता है। हैं, पूरा बेगूसराय का जनता जिस तरफ मूड झुकेगा उसी तरफ ना उसका होगा झुकाव। काम के आधार पे देंगे या फिर झुकाव के आधार? काम के आधार पे देंगे। आजकल का जनता काम खोज रहा है, हमको काम चाहिए, रोजगार चाहिए, बेरोजगारी बढ़ गया है, आमदनी लोग का घट गया, खर्चा बढ़ गया है। आपका नाम? मेरा नाम राजेश शाह। पढ़ते बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में आपका पड़ता है। विधायक कौन है आपके? विधायक आप हमारे विधायक हो गए, अभी कौन है पता भी यहाँ दिख रहे हैं? उपेंद्र सिंह तो नगर निगम के हुआ हो गया, उपेंद्र सिंह नगर के विधायक को। वो क्या नाम है, वो क्या नाम है उनका? अमिताभ भूषण। हाँ, बात ये जनता से जो रूबरू होंगे उनके पता चलेगा क्या क्या? कभी तो वार्ड में तो आए नहीं, घूमते नहीं, नहीं आए आप लोग इस क्षेत्र में? कभी घूमते ही, कभी आज तक देखे ही नहीं आप उनको? देखे नहीं हम? चेहरा भी नहीं पहचान, आएंगे तो खड़ा हो जाए, नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा। कि कौन है अमिताभ भूषण? नहीं पहचानते एकदम, एकदम नहीं पहचान। कभी आपने उनको अपने निजी फंक्शन में कार्ड वार्ड दिया है? ऐसा कोई बात नहीं, नहीं कभी नहीं बुलाया, नहीं, नहीं। बुलाया भी नहीं, पहचानते नहीं तो बुलाया भी नहीं, पहले बुलाए भी नहीं। अच्छा ठीक है, तो आपके क्षेत्र में काम वाम हुआ है उनका, उनके फंड से, विधायक के फंड से? नहीं, विधायक फंड से तो कुछ नहीं दिया, नगर निगम का काम हुआ है, हमारे रोड में बनी है। विधायक के फंड से कोई काम? कोई काम नहीं। क्या आगामी विधानसभा चुनाव उनको लाना पसंद करेंगे आप? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उनको आना पड़े, क्या कि जनता के बीच में रूबरू नहीं हो रहे वो, नहीं तो कैसे और भी समाज के बीच में आके खड़े नहीं होते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी आप लोग ने शिकायत ऐसा कैसा महसूस नहीं किए है? हाँ। क्या कि हमारे वार्ड के जो है? हाँ। ऐसा कहीं महसूस? छोटे मोटे काम होते वार्ड से ही हो जाता? हाँ, वो सही वार्ड से ही। हाँ, नगर निगम से ही हम लोग को चल जाता। तो विधायक की कभी जरूरत भी नहीं पड़ी और आप लोगों ने वो आए भी नहीं? हाँ, इन लोग हम लोग तो चेहरा भी नहीं पहचानते, जब नाम नहीं सही से आ रहा है जुमा पे तो चेहरा कैसे पहचानेंगे।